शाहजहांपुर में लापता 12वीं की छात्रा की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। छात्रा की लाश तालाब के किनारे बोरे में बंद मिली है। उसके शरीर पर जख्म और चेहरे को तेजाब से जलाए जाने के निशान मिले हैं। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही छात्रा की हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। घटना सिंधौली थाना क्षेत्र के देवरिया गांव की है। यहां की रहने वाली 17 साल की नाबालिग अर्चना 15 दिन पहले स्कूल जाने को निकली थी, जिसके बाद से वो लापता हो गई। परिजनों ने थाने पहुंचकर जब उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए कहा तो पुलिस परिवार को लगातार टरकाती रही। आज सुबह छात्रा की लाश गांव के बाहर तालाब के किनारे बोरे में बंद मिली है। लड़की के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। छात्रा का शव मिलने की सूचना से इलाके में दहशत फैली हुई है। लड़की के चेहरे को तेजाब से जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश भी की गई थी। पास में ही छात्रा का स्कूल बैग पड़ा मिला है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। भाई बता भाई, हाँ आज मेरी लड़की भी गायब है भाई। आज 15 दिन हुई गए, आज तक ना ही मिली खोज खतरे। आज तुरंत ही एप्लीकेशन दवा दवली आए। आज इस दवली वाले ने कहते तुम्हारो एप्लीकेशन चौकी पर लिखो जी। आज चौकी पर ही गए हम, आज चौकी बनाई लिखो कहीं सवेरे लिखो जी। आज भी सवेरे हमने लिखवाओ जाए चौकी पर। आज भी दरोगा जी ने कहीं अब थाने में लिखवाओ जाए। आज हम फिर थाने गए, आज फिर हमने थाने में एप्लीकेशन दो। आज दिया, आज उन्हें जब साहेब ने हमारी लड़की एप्लीकेशन कही, हम तुम्हारी लड़की ढूंढ की थी, अब तुम्हारी लड़की को खोज करी। आज आज तक मेरी लड़की को कोई ने खोज नहीं करी। आज दरोगा जी हमें इंतजारा देते रहे। थाना सिंधौली अंतर्गत ग्राम देवरिया के एक तालाब में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिसके साथ में उसका साइकिल और एक बोरे में बंद थी ये बॉडी। ये महिला लगभग 10-12 दिन से घर से गायब थी। ये रहने वाली श्रीनगरा की है और इस पर मौके पे अधिकारी गण गए। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एसपी आदे और सीओ कुआया द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। बॉडी को नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम में तो भेजा गया है और इस बात की जानकारी कराई जा रही है कि कितनी पुरानी है। इसी आधार पर अग्रिम विवेचना भी होगी। परिवारजनों की ओर से तहरीर दिए जाने के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी। हालांकि इस संबंध में भी महत्वपूर्ण लीड्स मिली हैं, जिसके आधार पर हम विवेचना कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा।